सहयोग भी चाहते हैं, क्योंकि किसी भी अच्छाई के लिए और किसी भी जस्टिफाइड चीज के लिए बिना सहयोग के आगे कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी जाती और ना ही काम बनता है। तो आज सभी टीचिंग मेंबर्स, मुद्दा ये था कि आज सभी टीचिंग मेंबर्स जब हम सुबह आए और अराइवल के लिए प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंचे, तो वहाँ सभी को मना कर दिया गया कि आप सिग्नेचर नहीं कर सकते, आप ऑफ पर हैं। और इसके लिए हमें कोई सूचना पहले से नहीं दी गई थी, हमें प्री इन्फॉर्मेशन नहीं थी। उन्होंने कहा कि आपको मैसेज कर दिया गया था और मैसेज अराउंड 7:15 या 7:20 के लगभग का है। जब उस मैसेज को हमने देखा तो मैसेज में साफ तौर से लिखा हुआ था कि और सेमेस्टर की क्लासेस को टर्मिनेट किया गया है और इवन सेमेस्टर की क्लासेज कमेंस होने तक आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। वहाँ कहीं पर भी ये रेफरेंस नहीं था, जिक्र नहीं था कि आपको रिलीव कर दिया गया है या आप ऑफ पर हैं। वो मैसेज दिखाना चाहोगे मैम? टीचिंग, हाँ जी मैडम, एक बार वो मैसेज दिखाइए। सर ये मैसेज है और मैम उसमें है कि हम यहाँ पे पीरियड बेसिस पे नहीं, मतलब लेक्चर बेसिस पे नहीं, हम कंसोलिडेटेड हैं इस बात को। पार्ट टाइम तो नहीं है ना? कुछ ठीक नहीं होंगे। और हम कंसोलिडेटेड बेसिस पर यहाँ लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अभी सेशन ऑफ नहीं हुआ है, ये मिड सेमेस्टर है और मिड सेमेस्टर में इस तरीके की हरकत इंस्टीट्यूशन की तरफ से की हुई वो बर्दाश्त से बाहर है। सभी जब यहाँ सुबह इकट्ठे हो जाते हैं उन्हें पता चलता है कि आप सभी ऑफ पर हैं। ये हमारे लिए भी बड़े हैरत अंगेज बात थी और बड़ा शॉकिंग था इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि सभी अपने घरों से तैयार होकर आते हैं और उन्हें यहाँ आकर ऑन द स्पॉट इस चीज़ का पता चलता है। हालाँकि हमने मौजूदा प्रिंसिपल मैडम से भी बात की, लेकिन उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने यही कहा कि आपको ऑफ दिया गया है, आप ऑफ पर हैं। और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है, ऑडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है, सॉरी। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हम सभी के लिए नागवार गुजर रही है। अब 2 दिन हमें दिए गए हैं, 2 दिन हमारे इंटरनल असेसमेंट के हैं कि आपको 2 दिन के अंदर इंटरनल असेसमेंट देना है। और इंटरनल असेसमेंट हम नहीं देने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि या तो ऑफिशियली रिटर्न में हमें ये इन्फॉर्म किया जाए कि आखिर किस बेसिस पर या कहीं कोई ऐसा प्रावधान है कि सेशन के बीच में क्लासेस चल रही हैं, एग्जाम शुरू होने वाले हैं और आपको ऑफ किया जा सकता है। मैं रिलीविंग वर्ड का यूज इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि प्रिंसिपल मैडम का ही कहना था कि रिलीव नहीं किया गया, आप ऑफ पर हैं। तो पहला मुद्दा ये है कि ऑफ किस किस्म का ऑफ है, क्योंकि ऐसा ऑफ कभी सुना नहीं है कि क्लासेस सेशन चल रहा है और आपको मिड सेशन में ऑफ पर किया जाता है, ये कहीं पर नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम सभी ने ये डिसाइड किया है, निर्णय लिया है कि इंटरनल असेसमेंट हम नहीं देंगे। लेकिन बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये इस तरीके का निर्णय हम नहीं लेना चाहते, क्योंकि सीधा सीधा ये बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है और बहुत जाहिर सी बात है कि एग्जाम शुरू होने वाले हैं, इंटरनल असेसमेंट वक्त पर पहुंचनी चाहिए, समय पर पहुंचनी चाहिए। लेकिन क्योंकि ना तो आधिकारिक रूप से, औपचारिक रूप से हमें इंस्टीट्यूशन की तरफ से कोई इस किस्म का सहयोग नहीं है, कहीं ना कहीं हमें प्रेशराइज किया जा रहा है, गलत किया जा रहा है और फैकल्टी को मजबूर किया जा रहा है। या तो वो हर पिक्चर को क्लियर करें कि आपका स्थान क्या है, आप लगे हुए हैं सेशन के लिए लगे हुए, क्योंकि जब एडवर्टीजमेंट भी निकाली गई तो आपको सेशनल यहाँ नियुक्ति हुई थी कि पूरे सेशन के लिए, पूरे एकेडमिक सेशन के लिए आपकी यहाँ नियुक्ति हुई है, ये पूरे एकेडमिक सेशन आपका पूरा हुआ नहीं है, तो इस बीच ऑफ कैसे हो सकता है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है और हाथ जोड़ के ये विनती है कि हमें आप सभी का सहयोग चाहिए, क्योंकि आज इस इंस्टीट्यूशन में हुआ है और ये बात निकल कर आई है और ये बहुत लंबे समय से चल रहा है। इस तरीके का मेंटल हैरासमेंट बहुत लंबे समय से चल रहा है, लेकिन अचानक से और सभी के साथ विद इन अ मोमेंट, एक क्षण में ही ये सब हो जाना बड़ा ही हम कह सकते हैं कि असहनीय सा हो रहा है, क्योंकि हमें इस चीज़ का पता ही नहीं और यहाँ का हम अपने आप को एक हिस्सा समझते हैं, यहाँ रहना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, एक हेल्दी एटमोसफियर में काम करना चाहते हैं और उसी की कोशिश करते हुए ये हमारी फैकल्टी का, ये हमारे सभी शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़प्पन है कि इतने लंबे समय से भी एक मानसिक प्रताड़ना से गुजरते हुए भी उन्होंने कभी भी ना मीडिया का सहारा लिया, ना ही अपनी बात को इंस्टीट्यूशन से बाहर रखा। तो
मैं सभी का सहयोग मांगते हुए अपनी बात को यहीं विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच। आप कुछ साहब, ये तो प्रश्न तो ठीक है, लेकिन प्रश्न से पहले थोड़ी सी बात मैं ये बताना चाहूंगा, क्योंकि जो हमारे श्रोता हैं, दर्शक हैं, जो हमें देख रहे हैं, आज फेसबुक पे लाइव आने का हमारा औचित्य क्या है? भाई सबसे पहले तो हम अपने श्रोताओं को बता दें, दर्शकों को बता दें कि हम चौधरी छाजूराम जाट मेमोरियल कॉलेज के अध्यापक हैं, स्टूडेंट नहीं है। हम बच्चों को शिक्षा देते हैं ताकि वो समाज में शिक्षा ग्रहण करके अपने समाज को अच्छा बनाए, अपने देश को, अपने राष्ट्र को विकसित करें। लेकिन जिस राष्ट्र में, जिस देश में शिक्षकों के साथ ही धोखा हो, शिक्षकों का अपमान हो, तिरस्कार हो, जब तक उनसे काम लेना है तब तक उनसे काम ले, फिर उनके पिछवाड़े पर लात मार के, दिक्कत ये आती है कि फिर वो शिक्षक